अखिल भारत हिंदू महासभा ने बंगाली हिंदू समुदाय के उन 13 लाख लोगों के मुद्दे को उठाने और उजागर करने का फैसला किया है जिनके नाम असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से बाहर कर दिए गए हैं। रविवार को ऋषिकेश में महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें राजनीतिक दल ने इस विषय पर चर्चा की और इसे उजागर करने का निर्णय लिया ताकि मामले को उठाया जा सके। महासभा अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने मामले की निगरानी की जिम्मेदारी असम के पार्टी अध्यक्ष और पूर्वोत्तर के पर्यवेक्षक विश्वदीप गुप्ता को सौंपी है। बैठक के दौरान बंगाली हिंदुओं नागरिक सूची से उनके नाम को बाहर किए जाने के बाद आने वाली समस्याओं को विश्वदीप गुप्ता द्वारा उजागर किया गया और महासभा के कई सदस्यों को बताया गया असम में हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 13-14 अप्रैल की होगी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विश्वदीप गुप्ता ने असम में बंगाली हिंदुओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि अंतिम NRC में लगभग 13 लाख बंगाली हिंदुओं के नाम नहीं थे जबकि केवल 5 लाख मुसलमानों के नाम हैं। विश्वदीप ने कहा कि नागरिकता सूची से हिंदुओं के नाम को बाहर करना स्वीकार्य नहीं है। असम में मुसलमानों की आबादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम जो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है पिछले 1 साल में मुसलमानों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। दशक या उसके बाद दावा किया कि मुसलमानों की आबादी असम की आधी आबादी होगी। अगर समुदाय की आबादी मौजूदा गति से बढ़ती रही, विश्वदीप ने राजनीतिक रूप से हिंदुओं की रक्षा के लिए असमिया हिंदुओं और बंगाली हिंदुओं को एकजुट करने की आवश्यकता का आह्वान किया। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बंगाली हिंदुओं को राज्य में सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। असम के अलावा त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में हिंदुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महासभा की अगली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पूर्वोत्तर भारत में होगी, राजश्री चौधरी ने सूचित किया। जो माननीय राजश्री चौधरी जी के सभी नेशन लीडर को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, असम में 80% हिंदू आर बंगाली हिंदू। Out of these Bengali Hindus, 13 lakh Hindus को NRC में नाम नहीं दिया। मैम, it is a very serious issue of North East, I think, and this point should be put up before the Parliament. 13 lakh Hindus का नाम नहीं है। NRC में cut off कर दिया। It is the approximate exact government figure. It is a absolutely a direct failure of BJP government there. And why they should not be Hindus को detention camp में डाला जाता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, शर्म के मारे आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा पिताजी को जो 207 पदक वहाँ पे थे, वो मैं मेडिकल कैलकटा में मेडिकल ट्रीटमेंट से उनको बुलाना पड़ा जल्दी से। ABC को जाके मेरे को बोलना पड़ा कि भाई आज का डेट नहीं, 4 साल का डेट हो। मैं जर्नलिस्ट को बोल के वो मान गया। मुस्लिम पॉपुलेशन में सिर्फ 3 से 4 लाख लोगों को NRC में नाम नहीं मिले, हमारा वहां का सरकार बोल रही है कि हम पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन को हटा देंगे। कैसे हटा दोगे? आपका जो NRC का मिस्टर हजेला और जो भी वहां पे आशू का लीडर्स लोग थे, वो करप्शन किए वहां पे, वो NRC के नाम पे 1000 करोड़ रुपीज का करप्शन। सर, तो ये नेशनल हुकअप पे क्यों नहीं लाया गया? इतनी इम्पोर्टेंट इशू जो कि नेशनल मीडिया कवर नहीं करती है, नेशनल लीडर को छुपाना चाहते हैं। आई विल जस्ट लाइक टू इंटरव्यू ओवर हियर कि आप NRC को लेके जो आपका कंप्लेन है, प्लीज कॉल एन इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग एट योर स्टेट का। डेफिनेटली मैम, रिजॉल्व एंड सेंड अ रेजोल्यूशन टू मी विद ऑल द डेटा बेस एंड मैम, आप 14 अप्रैल को पूरा हो सके। हमारे दोस्त फोर्थ ईयर में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो भी है, नॉर्थ ईस्ट एक पिछड़ा हुआ देश है और मैं सोचता हूँ कि हिंदू महासभा वहाँ पे एक बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मेरा स्टेट ले ले असम, असम में 36% मुस्लिम पॉपुलेशन, जो 2019 में वो 29% हर मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन 40-45% बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन में कंस्टिट्यूएंसी में 20-25% की पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इस रेट में अगर चले हम असम में 20 इयर्स डाउन द लाइन 50% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी। Yes, तब सिस्टम में आने का प्रयास करना मजबूरी होगी। आज हम लोग जो इधर बैठ के मुकेश पटेल लड़ाई लड़ रहे जमा मस्जिद का, सोचिए ये आम जनता होता तो क्या होता, अभी तक उसका सर शरीर में नहीं रहता। आज अगर बैकअप आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसे कोई नहीं है जो आपको बैकअप देगा। ये बैकअप बहुत जरूरी होता है, बैनर बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग ने तब धीरे 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 जो सनातन राष्ट्र धर्म धर्म जो है राष्ट्र ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन, हमारा ड्यूटी टुवर्ड्स माय नेशन ये नहीं है कि इसका कत्ल करो, इसको गाली दो, इसको नीचे दिखाओ, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है मंदिर को पुनरुद्धार करो, गुरुकुल को पुनरुद्धार करो, गीता को राष्ट्र किताब में ले आओ, गो माता का पूजन करो, गो हत्या बंद करो, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म होता है। हम इंडियन डायस्पोरा की जगह लास्ट में सनातन डायस्पोरा का नाम है। बहुत से लोग आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, बौद्धिक लोग भी आते हैं, लेकिन सनातन का कहीं नाम इस सरकार ने लेने की कोशिश की। मैंने दो तीन मंच पर बोला भी, सारी नहीं मुझे पीटने की इच्छा है, लोग सारी नहीं पीटी, मैं अगर होता तो मुझे लोग पीटते, क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसी को नहीं बदलेगी, वो अनारही पॉलिसी बना के चलेगी, वो इंडियन डायस्पोरा में ही काम करेगी, और इंडियन डायस्पोरा देश के लिए नहीं,